हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसको पढ़ने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लाइन जो है वो याद करिए। विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि विकास की दर जो है वो समान होती है, यानी कि हर व्यक्ति जो है विकास की जो भी अवस्थाएं हैं उनसे होकर गुजरता है। एक व्यक्ति जो है शैशव अवस्था से होकर गुजरता है, बाल्यावस्था से होकर गुजरता है, किशोरावस्था से होकर गुजरता है, इसी तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, हर व्यक्ति को इन स्टेजेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई भी एक स्टेज जो है वो मिस नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई एक बच्चा जो कि शैशव अवस्था उसकी चल रही है, डायरेक्ट जो है उसकी वृद्धावस्था नहीं आ सकती है या किशोरावस्था नहीं आ सकती है। पहले उसकी शैशव अवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ठीक है। इसी तरीके से जो है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वहां हमने देखा था कि विकास की दर जो है वो प्रत्येक मनुष्य में समान होती है। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से भिन्न है। तो वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, ये जो पक्ष होते हैं, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, अंतर पाया जाता है। तो यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो विचार है, कंसेप्ट जो है, संप्रत्यय जो है, सबसे पहले किसने दिया, फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया। किसने दिया, फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया। इनकी बुक है हेरिडिटरी जीनियस, जो कि इन्होंने 1869 में लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या बताया व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, जो विचार दिया, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से समान ना होना, उसका दूसरे से जो है भिन्न होना, अंतर होना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, ये जितने भी पक्ष हैं इसमें अंतर पाया जाता है। तो यही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो शारीरिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, यानी एक व्यक्ति का रूप रंग जो है वह दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा उसका चेहरा जो है वो ज़्यादा सफ़ेद होगा, दूसरे व्यक्ति का थोड़ा कम होगा और दूसरे व्यक्ति का उससे भी कम होगा। यानी कि रंग, रूप या वजन की भी हम बात करें तब भी जो है दूसरे व्यक्ति से अंतर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल जो है वो एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता का मतलब क्या है, यानी एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो मंदबुद्धि भी हो सकता है, तीसरा व्यक्ति जो कि उसका दिमाग जो है इतना ज़्यादा चलता है, इतना ज़्यादा चलता है कि उस दूसरे व्यक्ति का नहीं चलता है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली भी हो सकता है, और कोई व्यक्ति जो है वो अत्यधिक बुद्धिमान भी हो सकता है, ठीक है। तो जो अवस्थाएं हमने देखी थी व्यक्ति में, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, ठीक है, तो इन अवस्थाओं में अलग अलग जो है वो मानसिक योग्यता मिलेगी। फिर देखिए संवेगात्मक जो विभिन्नता है, तो इसमें यानी कि इमोशन, हर व्यक्ति के इमोशन दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, उसका हृदय बहुत कठोर होता है, और किसी का बहुत ज़्यादा उदार होता है। कोई हमेशा जो है खुश रहने वाला होता है, और कोई हमेशा जो है आपको दुखी दिखाई देगा। यानी कि हल्का सा डांटने पर भी वो रो पड़ता है, और अलग और भी व्यक्ति हम देखते हैं कि उनको डांटने का कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि जो संवेगात्मक विभिन्नताएँ जो हैं वह भी हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। तो ये सभी पक्षों में जब अंतर पाया जाता है, तो इसी अंतर को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए डेफिनेशन में और भी अच्छे से समझ में आएगा। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत के जितने भी भिन्न है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। मैंने अच्छे से समझा दिया आपको शारीरिक और मानसिक गुण कौन से होते हैं। शारीरिक गुण यानी कि उसका वेट हो गया व्यक्ति का, ठीक है, और रंग हो गया, रूप हो गया, बनावट हो गई, ये शारीरिक गुण हो गया। मानसिक गुण कौन सा हो गया, यानी कि वो व्यक्ति जो है कितना इंटेलिजेंट है, कितना डफर है, ठीक है, ये सभी गुण हो गए। तो एक व्यक्ति जो है जो कि अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत के जितना भिन्न है उसी को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे, ठीक है। यानी कि एक जो परिवार है उसमें भी हमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देती है।
कार्टर वी गुड का कहना है कि व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाली विशेषताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो विशेषताएं वही हैं जो हमने अभी देखी देखी मैंने आपको समझाई, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है। यहाँ तक कि हर व्यक्ति की रुचि जो है दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होती है, हर व्यक्ति के विचार जो है वो दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होते हैं, ठीक है। सीखने का तरीका जो है वह भी अलग होता है। तो व्यक्तियों में किसी एक विशेषता यानी कोई एक विशेषता जो है वह अंतर हो सकता है दूसरे व्यक्ति से, या फिर बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं दूसरे व्यक्ति से। तो इन्हीं विशेषताओं को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। यानी एक घर में जो है दो भाई हैं, जबकि वो एक ही माता पिता की संतान है, फिर भी उनमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। एक माता जो है वो हमेशा ये भी कह देती है कि जो है तुम अपने बड़े भाई के जैसे क्यों नहीं हो, क्योंकि वो कोई ना कोई जो विशेषता उनके अंदर उन्होंने देखी है, तभी ये बात उन्होंने कही है। तो यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। टाइलर की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, कि शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि विभिन्नता क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, ठीक है। रुचियों में भी हम देखते हैं कि एक ही घर में, मैं आपको एक जो है परिवार का ही एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ तो क्योंकि आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक परिवार के बच्चे दूसरे परिवार के बच्चों से, वो तो हैं ही डिफरेंट, लेकिन एक परिवार के अंदर जो बच्चे हैं वो आपस में भी जो है उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता मिलेगी, ठीक है। एक जो बड़ा भाई है उसकी जो है क्रिकेट खेलने में रुचि है, दूसरे की फुटबॉल खेलने में रुचि है, या हो सकता है कि एक भाई जो है क्रिकेट खेलता हो और दूसरा भाई जो है उसको पेंटिंग करने की रुचि हो। तो रुचियों में भी विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। B.F. स्किनर की परिभाषा में देखिए, मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू, मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, ठीक है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि एक ही उम्र के यानी कि 6 वर्ष के यदि 2-3 बालक हैं तो उनमें सीखने की तत्परता जो है वो समान हो ये भी आवश्यक नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है यहाँ पर अधिगम को भी दर्शाती है, ठीक है। सीखने की जो प्रवृत्ति है वह भी हर बच्चे में अलग अलग होती है। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का संभावित वक्र। तो ये जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है ये किसका है, व्यक्तिगत विभिन्नता का संभावित वक्र है। यानी कि किसी भी जनसंख्या में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो निर्धारण है वो कैसे हो, तो वो निर्धारण जो है वो बौद्धिक आधार पर भी हो सकता है, शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 50% तक जो व्यक्ति होते हैं वो इस रेंज में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता जो है 50% तक जो है वो सामान्य होगी। उसके बाद जो है जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते जाएंगे तो सामान्य से उच्च 60%, प्रखर जो है वो 7% और प्रतिभाशाली जो है वो 2% होगी। यानी इनमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी मिलेगी ये जो है इस संभावित वक्र से दर्शाया जाता है। और इसी तरीके से यदि हम इसके विपरीत में जाएंगे तो हमें जो है माइनस में ये चीज दिखाई देगी। सामान्य से निम्न जो है वो 60% व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता मिलेगी, 7% मंद और 2% जो है वो जड़ जो व्यक्ति होंगे उनमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नता चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक इस तौर पर मिल सकती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है ये एक कैसा वक्र है, संभावित वक्र है। और इसी तरीके से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण किया जाता है। यानी सामान्य से इधर की तरफ यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर जो है हमें ऋणात्मक जो संभावित वक्र मिलेगा, और यहाँ से इधर की तरफ चलेंगे तो हमें धनात्मक संभावित वक्र जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक या संख्यात्मक विभेद करने की विभिन्नता को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। तो सामान्य अर्थ में तो हमने देख लिया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, तो वही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। वहीं पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मात्रात्मक यानी कि एक व्यक्ति का वजन दूसरे व्यक्ति से कितना है अंतर पाया जाता है, ठीक है। संख्यात्मक विभेद यदि उसमें पाया जाता है यही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है।
उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहला प्रकार है शारीरिक विभिन्नता, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक तौर पर अलग है। वह रूप रंग में अलग हो सकता है, उसका जो वजन है दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो सकता है, उसकी जो बनावट है जो शरीर की वह दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, ठीक है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, यानी एक जैसे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा है मानसिक विभिन्नता। तो मानसिक विभिन्नता क्या होती है, यानी कि वो व्यक्ति जो है कितना बुद्धिमान है दूसरे व्यक्ति से, कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। हमने देखा था बुद्धि का जब चैप्टर, तो हमने उसमें पढ़ा कि कोई जो है वो अधिक प्रतिभाशाली है, कोई बालक जो है कम प्रतिभाशाली है, ठीक है। कोई कोई व्यक्ति जो है, कोई बालक जो है जो कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा है, कोई जड़ बुद्धि का है, कोई पिछड़ा बालक है। तो बुद्धि के मामले में भी जो है भिन्नता मिलेगी हमें हर दूसरे से। तो यही क्या है, मानसिक विभिन्नता है, यानी कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कोई कितना कम है, तो यहाँ पर भी जो अंतर पाया जाता है। तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नता। तो संवेगात्मक क्या होते हैं, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, इमोशन, यानी हर व्यक्ति के इमोशन दूसरे व्यक्ति से आपको अलग मिलेंगे। कोई हमेशा खुश रहने वाला भी मिलेगा, यानी कोई भी परिस्थिति होती है वहां पर भी वो खुश रहेगा, दूसरा व्यक्ति उसी कंडीशन में जो है वो दुखी होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कठोर हृदय का होगा, कोई जो है उदार हृदय का होगा। तो ये क्या है, संवेगात्मक विभिन्नता है। यहाँ पर भी व्यक्ति व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। रुचियों में विभिन्नता, यानी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या हर बालक जो है दूसरे बालक से रुचियों में जो है उसमें भी अंतर पाया जाता है। एक जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट जो है एक ही घर में, जैसा मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एक बड़ा भाई जो है उसका क्रिकेट खेलने में रुचि हो सकती है, दूसरा भाई जो है उसकी पेंटिंग में रुचि हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई उसकी जो यदि बहन भी है तो उसकी रुचि जो है डिजाइनिंग जो कोर्स है उसमें हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर भी जो अंतर मिलेगा। फिफ्थ नंबर पर देखिए विचारों में विभिन्नता, यानी कि विचारों की दृष्टि से भी व्यक्तियों में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति के विचार जो है दूसरे व्यक्ति के विचारों से कभी मिलते नहीं है, ठीक है। कोई जो है नैतिकता की बात करता है, कोई धार्मिकता की बात करता है, कोई उदारता की बात करता है। हर जो बच्चा है, हर बालक जो है, हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से जो है अलग जो है थिंकिंग रखता है। सिक्स नंबर पर है सीखने में विभिन्नता। अब देखिए सीखने में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। यानी एक ही उम्र के जो बच्चे भी हैं, यानी 6 वर्ष के 2 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उनमें भी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो भी हमें अलग दिखाई देगी। एक जो है वो बहुत फटाफट से 5 मिनट में वो चीज सीख सकता है, और वही बालक जो है वो 5 मिनट की जो चीज है घंटा लगा सकता है। हो सकता है कि जो है वो नेक्स्ट डे उस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो सीखने में भी अंतर मिलेगा हर बालक का दूसरे बालक से, या कहें हम हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक या स्रोत, तो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहला है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण जो है वंशानुगत या फिर अनुवांशिकता, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सामान्यतः देखा गया है कि जो बुद्धिमान या उत्तमशील गुण वाले जो माता पिता के बच्चों में भी जो उत्तमशील गुण होते हैं, ठीक है, और उनका बुद्धि का स्तर जो है वह भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के जो माता पिता होते हैं उनका ये गुण जो है वो बच्चों में भी परिलक्षित हो सकता है। तो इन सभी का कारण जो है वो क्या होती है, वंशानुक्रम होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण जो है वो वंशानुक्रम होता है। दूसरा कारक है वातावरण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये दूसरा आधारभूत कारण माना जाता है। सबसे पहला आधारभूत कारण कौन सा है, वंशानुक्रम। दूसरा है वातावरण, यानी व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुसार जो है उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार है हो जाते हैं। तो यहां पर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो इसका प्रभाव जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारक है। थर्ड नंबर पर है जाति, प्रजाति और देश। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का यह तीसरा कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें जो है विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। हम जब देखते हैं कि ये जो है भारतीय है या ये जो है विदेशी है, अंग्रेज है, तो ये हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां के लोग जो हैं
किस प्रकार की जो है कपड़े पहनते हैं या उनका रूप रंग जो है वो किस प्रकार का है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता ही है, जहां पर हम लोगों को पहचान लेते हैं कि वो अदर स्टेट का है या फिर ये पहचान लेते हैं कि वो अलग क्षेत्र का है, ठीक है, दूसरे क्षेत्र का है। फोर्थ है आयु और बुद्धि। तो आयु और बुद्धि, तो विभिन्न आयु के बालकों में जो है अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को जो है मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है, ठीक है। तो आयु है, बुद्धि है, इसमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। मैंने आपको अभी बताया था कि 6 वर्ष के दो बालक हैं, ठीक है, उनके जो है यदि हम सीखने की प्रवृत्ति देखें तो दोनों में अंतर मिलेगा। एक जो है 5 मिनट में जो चीज याद कर सकता है, दूसरा वही बालक 1 घंटा भी लगा सकता है या फिर पूरा एक दिन जो है नेक्स्ट डे उसको वो चीज समझ में आए। फिफ्थ नंबर पर है शिक्षा और आर्थिक दशा। तो देखिए, हर व्यक्ति की आर्थिक दशा सेम नहीं होती है, समान नहीं होती है, ठीक है। गरीबी के कारण लोग जो है वो चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना जैसे ऐसे जो है अपराध जो है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है उन व्यक्तियों से पूरी तरीके से अलग होते हैं जो कि बहुत अच्छे परिवारों से होते हैं, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होती है। उनके जो है रहने सहन जो है दोनों में ही अंतर आपको मिलेगा, ठीक है। तो शिक्षा हो गई और आर्थिक दशा जो होगी, यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारक है। शिक्षा में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो सोच समझकर अपने भविष्य के जो भी काम होंगे उनको करेगा, और अशिक्षित व्यक्ति जो होगा वो केवल आज के बारे में ही सोचेगा कि आज किस तरीके से उसको कमाना खाना है, क्योंकि आज जो है दिन निकल गया, कल की कल देखेंगे, ठीक है। यहां पर भी व्यक्तियों में जो है अंतर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, लिंग भेद। तो देखिए, इस भेद के कारण जो है लड़का हो या लड़की हो, तो इनकी जो है शारीरिक बनावट या फिर संवेगात्मक विकास जो है उनकी कार्य क्षमता में जो है अंतर मिलता है। बालकों में शारीरिक कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो लड़कियों की तुलना में अधिक मिलती है, ठीक है, और वहीं पर लड़कियों की जो स्मृति की योग्यता होती है वो लड़कों से अधिक होती है। शारीरिक दोष, यानी कि एक व्यक्ति जो है उसमें कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है जिस वजह से वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसको कम सुनाई देता हो या कम दिखाई देता हो, यदि कम सुनाई देगा एक बालक को तो कक्षा में जो है वो प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं सुन पाएगा, ठीक है, या उसको कम दिखाई देता हो तो अच्छे से नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसका महत्वपूर्ण कारक है शारीरिक दोष। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व, शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंस है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। तो छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, यानी कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी बालक आते हैं, तो केवल आयु में ही जो है अंतर नहीं मिलेगा, वहां पर जो है उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रख के नवीन विधियों का प्रयोग जो है वो एक शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार ही शिक्षण पद्धतियों में जो है परिवर्तन किया जाना चाहिए। शिक्षण की जो भी नवीन विधियां हैं, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं स्पेशली, उनका प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, व्यक्तिगत यानी कि हर एक बच्चा जो है वह इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए, तो हर बच्चे की जो है मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रख कर जो है शिक्षण कराया जाना चाहिए। सामूहिक शिक्षण जो है वो सही नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा जो है इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ठीक है। कक्षा का सीमित आकार, तो कक्षा का जो सीमित आकार है, यानी कि जब कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो 40 या 50 होगी, तो शिक्षक के लिए व्यक्तिगत संपर्क जो है स्थापित करना जो है वो आसान काम नहीं हो पाता है, ठीक है। हर बच्चे पर वो ध्यान दे ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कक्षा में है छात्रों की संख्या जो है 20 जो है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर जो है वो हर बच्चे पर ध्यान दे सके। फिफ्थ नंबर पर है गृह कार्य की नवीन धारणा। अब देखिए, पुरानी धारणा क्या कहती थी कि एक टीचर द्वारा जो है चैप्टर को पढ़ा दिया जाता था और अंत में जितने भी क्वेश्चन होते थे वो सभी बच्चों को दे दिए जाते थे कि आप जो है वो सभी इस काम को करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं ये देते थे कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उसके अंदर कैपेसिटी है या नहीं है कि वो इतने सारे काम को पूरा कर सके। यदि वो नहीं करता था तो नेक्स्ट डे जो है उनकी डंडों से पिटाई होती थी या किसी भी तरीके का पनिश जो है उनको किया जाता था, ठीक है। तो ये जो नवीन धारणा है ये क्या कहती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो इस वजह से हर बालक जो है दूसरे बालक से अलग है, तो
उनको ध्यान में रखकर, उनकी योग्यताओं को, उनकी कैपेसिटी जो है उनको ध्यान में रखकर ही होमवर्क जो है बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को जो है समान होमवर्क देना गलत है। शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, यानी कि बच्चे सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे को जो है शारीरिक तौर पर जो है कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको ध्यान देना चाहिए एक टीचर को, और ये चीज जो है शारीरिक दोष जो है इनको ध्यान में देकर ही उसे जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। यानी हो सकता है कि एक बच्चा जो है जिसको कम दिखाई देता हो, या हो सकता है किसी को जो है कम सुनाई देता हो, तो क्लास में जो है आगे की जो सीट होती है वहां पर उसको बिठाया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर जो है स्कूल में जो है मेडिकल जो है उसी की उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो डॉक्टरी जांच होती है वो जो है बच्चों की समय समय पर कराई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षण प्रविधियां, कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियां हैं। सबसे पहली है किंडरगार्टन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता की जो विधियां हैं, ये आपकी जो शिक्षण विधियां हैं तो वहां पर आपके काम आती हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्रतिपादक कौन है इन विधियों के, इन विधियों में जो है क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली है किंडरगार्टन विधि, तो इसके प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल हैं, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के। तो 1837 ईस्वी में ये विधि लेकर आए थे। फ्रॉबेल क्या कहते थे कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक माली है और बच्चे क्या हैं, पौधे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विद्यालय को क्या कहा है, बगीचा कहा है, ठीक है, और टीचर को क्या कहा है, माली कहा है। जैसे जिस प्रकार से माली जो है वो हर पौधे पर ध्यान देता है, और पौधे की जो है समय समय पर जो है उसकी किस तरीके से जो है उसकी केयर करनी है, कब उसे पानी चाहिए, ठीक है, किस तरीके से जो है उसकी सिंचाई सी करनी है, ये सब वो उसको ध्यान में रहता है। इसी तरीके से टीचर जो है वह भी एक एक फूल की तरह, जैसे माली ने देखा है उसी तरीके से बच्चे को वो ध्यान में रखे, ठीक है। तो ये विधि जो है 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि, किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट जो विधि है मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। यहां पर उम्र जो है इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। इस विधि के तहत जो है उपकरणों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने ये कहा कि बच्चों को यदि शिक्षित करना है तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि हाथ पैरों का यूज करके, ठीक है, उस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें जो है सबसे पहले पेज या कॉपी या पेन जो है वो पकड़ा दिया जाए। उसके बाद जो है उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, हमारी जो है आंख है, नाक है, ठीक है, कान है, ये सभी ज्ञानेंद्रियों में आते हैं, तो इसके द्वारा दी जानी चाहिए। और अंत में जो है पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्यों, हम देखते हैं कि मंदबुद्धि बालक यदि हम उसे जो है पेज और पेन पकड़ा देंगे तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों के द्वारा जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसके बाद जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और अंत में उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मोंटेसरी विधि में जो उम्र जो है वो कितनी ली गई थी मोंटेसरी के द्वारा, तो 3 से 6 वर्ष के बालकों पर जो है इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। जहां पर किंडरगार्टन विधि जो फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी, तो इस विधि में जो है इन्होंने 4 से 8 वर्ष के बालकों की बात कही। थर्ड नंबर पर है डॉल्टन विधि, जिसके प्रतिपादक जो है हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ये अमेरिका के थे, और इस विधि में बालक पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ पर जो है बिल्कुल बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और बालक जो है वो स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ पर स्टडी करके सीखता है। तो अधिगम की स्वतंत्रता और समय सारणी में नहीं बांधा जाता, बच्चे को जो भी टॉपिक दिया जाता है, जो भी पॉइंट दिया जाता है, तो उसको जो है वो पूरे दिन चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है, या फिर जो है उसकी मर्जी जितनी है, जितना उसको समझ में आ रहा है तब तक वो पढ़ सकता है। हो सकता है बच्चा जो है वो पूरा दिन ही लगा दे एक सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो यहाँ पूरी तरीके से जो है उसको स्वतंत्रता दी जाती है। कोई टाइम टेबल जो है वो सेट नहीं किया जाता है कि तुम्हें 2 घंटे जो है वो इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, ठीक है, जैसा उसका जो है माइंड काम कर रहा है तो उस तरीके से उसे काम करने दो, कोई भी समय सारणी में उसको बांधा नहीं जाता है। फोर्थ विधि है बिने टिका विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, वॉशबर्न है, ये भी अमेरिका के। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता पर जो है वो बल दिया,
इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता पर जो है वो बल दिया। क्या किया इन्होंने, बालकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं और सामाजिक विकास अनुसार विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इनका क्या कहना है कि कोई भी टॉपिक यदि पढ़ाना है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट दो, ठीक है। छोटे छोटे में भागों में यदि बांट देंगे तो अच्छे तरीके से बच्चा जो है वो हर पॉइंट को सीख जाएगा, और बाद में लास्ट में जो है उसकी इस तरीके से रिवीजन करा दीजिए जिससे कि उसको ये क्लियर हो जाए कि हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी कंटेन है उसको क्या करें, छोटे छोटे भागों में बांट दें। फिफ्थ नंबर पर है खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो इनकी जो बुक है प्ले वे, कौन सी बुक है इनकी, प्ले वे। तो खेल विधि जो किसके द्वारा दी गई है, हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा दी गई है। कोल्डवेल कुक ने यह विधि जो है अंग्रेजी शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई है। सिक्स नंबर पर है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, हो सकता है एग्जाम में अन्वेषण ना लेके खोज विधि आ जाए, तब भी यही आप लिखेंगे कि प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। तो जैसी विधि है वैसा ही इसमें जो है कार्य होता है। इस विधि में बच्चा जो है वो खोज करके सीखता है, खुद ही जो है चीजों को खोज करता है। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट यदि बच्चे को दिया जाता है तो वहां पर भी वो उसका क्या काम होता है कि खुद खोज करके जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। तो अन्वेषण विधि क्या कहती है कि बच्चा जो है खोज करे और फिर उसके द्वारा सीखे। डेक्रोली जो विधि है जिसके प्रतिपादन कौन है, डेक्रोली। तो विद्यालय का वातावरण जो है यहाँ पर प्राकृतिक होता है और यहाँ बच्चों को जो है उदार शिक्षा दी जाती है। इस विधि के माध्यम से मंद बुद्धि बालकों को संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये विधि जो है किसके लिए है, ये विधि स्पेशली मंद बुद्धि बालकों के लिए है, ठीक है। और ये पॉइंट एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी विधि है जिसमें उदार शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को, तो वह है डेक्रोली विधि। एट्थ नंबर पर है प्रोजेक्ट या योजना विधि। तो यहां पर कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई योजना होगी। प्रतिपादक कौन है, किल पैट्रिक है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विधि। यह विधि जॉन डीवी की प्रयोजनवाद विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है, जॉन डीवी की प्रयोजनवाद विधि पर आधारित है। छात्र जो है अपनी रुचि के आधार पर मिलजुल कर या अकेले कार्य पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, या तो वो एक समूह को दे दिया जाए या एक बच्चे को दे दिया जाए, और उनको बता दिया जाता है कि ये काम जो है वो आपको पूरा करना है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो अपने तरीके से यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के साथ जो है काम करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। यदि अलग एक अकेला जो है प्रोजेक्ट दे दिया गया है एक बच्चे को, तो वो अकेले उस काम को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करता है। नाइन्थ नंबर पर है इकाई प्रणाली। इसके जन्मदाता जो है मॉरिशन है, और इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। और टीचर जो है उसका रोल क्या होता है कि वो दूर से देखे और कोई भी मिस्टेक यदि बच्चों से हो रही है तो उनका जो है मार्गदर्शक करे, ठीक है। इसमें जो है क्या दिया जाता है, बच्चों को ग्रेड दिया जाता है। जो भी बच्चे कार्य को पूरा कर लेते हैं तो उनको ग्रेड दिया जाता है, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आप इसको बहुत अच्छे से जो है ध्यान से पढ़िएगा। जो भी विधियां हैं इनके जन्मदाता या प्रतिपादक कौन है ये आपको ध्यान में रखनी है, और एक लाइन में ये याद में रखिएगा कि ये जो है विधि क्या कहती है, इस विधि में जो है क्या कार्य किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।